हेलो दोस्तों दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू सेट गूगल एज अ होम पेज इन गूगल क्रोम ब्राउज़र। यानी कि आप आपके लैपटॉप कंप्यूटर के गूगल क्रोम ब्राउज़र में गूगल को होम पेज कैसे बना सकते हो, जिससे कि जब भी आप आपके लैपटॉप कंप्यूटर का गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करोगे तो आपके सामने गूगल की ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों दोस्तों, ये एक छोटी सी सेटिंग है जिसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को जानकारी नहीं है, और अगर आप भी नहीं जानते होंगे तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पिंग रहने वाला है। दोस्तों गूगल क्रोम में गूगल को होम पेज बनाने के लिए सबसे पहले आप आपके लैपटॉप कंप्यूटर में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने भी इस तरह की स्क्रीन नजर आ जाएगी। तो यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये google.com नहीं है जी। तो इसके लिए आपको कुछ सेटिंग करनी होगी, जिसके लिए ऊपर की तरफ आपको 3 डॉट नजर आ रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहां पर आप सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, अब आपके सामने इस तरह की सारी गूगल क्रोम की सेटिंग नजर आ जाएगी। तो अब यहां पर आपको ऑन स्टार्टअप का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये स्क्रीन नजर आ जाएगी। दोस्तों यहां पर जो पहला ऑप्शन है ओपन द न्यू टैब पेज, यानी कि आप जब भी आपके लैपटॉप कंप्यूटर का गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे तो आपको नया टैब पेज नजर आ जाएगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यू वेर यू लेफ्ट ऑफ, यानी कि आपने अगर कोई वेबसाइट या फिर कुछ भी ओपन किया होगा आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र में और आपने आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र को क्लोज़ किया होगा और दोबारा आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करोगे तो आपको बिल्कुल वही पेज नज़र आ जाएगा जो आपने छोड़ा था, यानी कि आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को बंद करने के पहले ओपन किया था आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र में। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है ओपन अ स्पेसिफिक पेज और सेट अप पेज। ये सेटिंग आपको करनी जरूरी है, तभी आपके गूगल क्रोम ब्राउजर के होम पेज पर google.com नजर आएगा। जैसे आप इस सेटिंग को सिलेक्ट करोगे आपके सामने इस तरह के दो ऑप्शन नजर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर पहले से कोई न्यू पेज यहाँ पर होगा तो आप उसे डिलीट कर लीजिए, तभी आपको आपके गूगल क्रोम ब्राउजर में google.com नजर आएगा। तो चलिए यहाँ पर अब मैं एड अ न्यू पेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर अब आपके सामने भी इस तरह की स्क्रीन कि जहां पर आपको google.com एंटर करना है, क्योंकि हमें google.com को ही हमारा होम पेज बनाना है गूगल क्रोम ब्राउजर का। तो अब यहां पर आपने google.com एंटर कर दिया होगा तो नीचे की तरफ ऐड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहां पर अब आप देख सकते हो ओपन स्पेसिफिक पेज और सेट ऑफ पेजेस में google.com आ चुका है, यानी कि आप जब भी आपका क्रोम ब्राउजर को क्लोज करके ओपन करोगे तो आपके सामने google.com की ही वेबसाइट नजर आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों इस तरह से आप आपके कंप्यूटर लैपटॉप के गूगल क्रोम ब्राउजर में गूगल को होम पेज बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको आपका सवाल हाउ टू सेट गूगल एज अ होम पेज इन गूगल क्रोम ब्राउजर का जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो हमेशा की तरह हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे हेल्पिंग वीडियोज आपके लिए रोजाना लेके आता हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर guys।